हाय दोस्तों, मेरा नाम है गैरी एंड वेलकम टू वी मेक श्योर। सो आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं डॉक्टर वर्ल्ड की तरफ से स्टडी लैंप या रिचार्जेबल एलईडी टॉर्च। काफी सारे लैंप देखने के बाद मैंने इसे पसंद किया है, इसका प्राइस 329 प्लस 30 रुपीज डिलीवरी चार्ज। स्टडी लैंप की बहुत सारी रिकमेंडेशन मुझे आई थी तो इसे मैंने जल्दी से बिना डिले किए इसे ऑर्डर कर दिया है और आज हम इसका ही अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम इसे ले सकते हैं या नहीं। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी तरह से आपको एक स्टडी लैंप की ज़रूरत है तो क्या ये लैंप लेना आपके लिए सही होगा, इसकी सारी जानकारी आगे मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक और चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। जी आज मैं अमेजोन की पैकिंग से खुश नहीं हूँ। नॉर्मली मैं इसकी पैकेजिंग की बहुत तारीफ कर रहा होता हूँ, तो बात करें इसकी तो ये एक फ्लेक्सिबल स्टैम्प होता है और अगर मैं आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा ऐसे हम और इसकी जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर्स की है। इसका जो स्टैम्प है वो 360 डिग्री फ्लेक्सिबल है ऐसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया है और अगर आप इसे जैसे भी चाहें इसे अपनी एज पर नीड इसे रख सकते हैं। और अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके ऊपर डॉक्टर वर्ल्ड की ब्रांडिंग नज़र आती है और ये जो पीस मुझे डिलीवर हुआ है ये शायद थोड़ा सा पुराना लग रहा है, बट डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि ये यूज़ हुआ हुआ नहीं, नहीं तो इसकी ब्रांडिंग थोड़ी सी मिटी हुई हमें नज़र आती है। और ये नॉर्मली हमें जो चार्जर हमारे घर पे होता है वी चार्जर, ये उसी की पिन से सपोर्ट करती है और यहाँ पे आप इसके स्क्रूज दे सकते हैं जहाँ पर इसकी बैटरीज वगैरह आप अगर ओपन करेंगे तो दिख जाएगी। और ऐसा ही कुछ नज़दीक से दिखता है, इसके ऊपर मुझे कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखने में तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, मुझे अगर पुराना डिलीवर हो गया है तो अगर मैं इसको ऑन करके आपको बताऊं, इसके डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये 3 मोड्स की है, अगर डेफिनेटली ये 3 मोड्स की है। मैं इसे ऑन ऑफ और इसके मोड्स चेंज कर रहा हूँ। ये अगर मैं आपके सामने अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कोई बटन नहीं है, जस्ट आपको टच करना है। यहाँ पर किसी भी तरह का बटन नहीं दिया गया, 1 2 3, तो ये बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे बटन के ख़राब होने का कोई भी चांस ये तो नहीं कह सकते कि चांस नहीं है, बट इसकी लाइफ नॉर्मली जो हमारे स्विचेस होते हैं ऑन ऑफ करने वाले उससे तो बेटर लग रही है। तो इसकी लाइटनिंग कैसी है वो तो अब दिन में नहीं पता लग पाएगा जब तक कि रूम में लाइट ना हो। कोर्स मैं डे में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ऑटो मोड में कैमरे का वाइट बैलेंस चेंज हो रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी एक फैसला लेने में हेल्पफुल नहीं होगा कि इसे लिया जाए या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अब इसकी बैटरी बैकअप की। तो चलिए मैं जल्दी से इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ और चार्जिंग पे लगाने के दौरान क्या होगा कि हमें एक ब्लू कलर की वेव लाइट दिखेगी। जब जिस टाइम के दौरान ये चार्ज होगा ये लाइट हमें दिखती रहेगी और चार्ज होने के बाद ऑटो कट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो ब्लू वेव लाइट है हमें दिखनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये फुली चार्ज हो गया है और हमें इसे चार्जिंग से उतार लेना है। तो अब मैं आऊँगा इसे बैटरी लाइफ की तरफ। तो ब्रांड ये क्लेम करती है अगर हम इसके फर्स्ट लेवल पर इसको फुली चार्ज करने के बाद यूज़ करें तो ये हमें 4 घंटे तक का जो है बैटरी बैकअप पावर देगी, और अगर हम इसे मीडियम पर चलाएंगे तो हमें ये अप टू 3 आवर्स का जो है बैकअप देगी, और अगर हम इसे फुली या कहूँ कि लास्ट मोड या फिर टॉप लेवल मोड पे चलाएं तो हमें 2 आवर्स तक का जो है बैटरी बैकअप। सो ऑफ कोर्स इसको इसका फैसला ऐसे ही तो नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली मैं इसको चेक करूँगा और आफ्टर 2 डेज मैं आपको इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करूँगा। तो वीडियो के आगे का पार्ट 2 दिन बाद का होने वाला है। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को बंद करके इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। सो आफ्टर 2 डेज बैटरी बैकअप की डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपको इसका लाइट थ्रो दिखा देता हूँ कि हमें कितनी रोशनी देता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल पे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इसका डेफिनेटली फर्स्ट मोड है, तो फर्स्ट मोड में ये इसकी लाइटनिंग थ्रो कुछ ऐसा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने इसे अपने बेड पे रखा हुआ है सो दैट एक बेटर आइडिया लग जाए।
तो अब मैंने इसका सेकंड जो मोड है ऑन कर दिया है, तो अब आप आइडिया लगा लीजिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लीजिए आप। तो इसकी लाइटनिंग जो है पहले से बढ़ गई है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप मोड चेंज करें और लाइट चेंज ना हो, डेफिनेटली हो रही है। पहले मैंने आपको डे में दिखाया था, बट वाइट बैलेंस इशू की वजह से तब कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, बट अब नाइट में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसका सेकंड मोड है, और मैं जल्दी से इसका थर्ड मोड ऑन कर देता हूँ। तो थर्ड मोड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर है। आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, बट मैं यहाँ से नोट कर पा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया है। तो आप एक आइडिया लगा लीजिए। और डेफिनेटली हम ये लैम्प स्टडी वगैरह के लिए लेते हैं, ताकि कुछ मटेरियल हम रीड कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, बट बात यही आती है कि हम रीड कर पाते हैं या नहीं। तो मैं अभी आपको एक रीडिंग टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने, मुझे कुछ और तो नहीं मिला, बट मैंने न्यूज़पेपर लिया। तो डेफिनेटली हम फर्स्ट मोड पे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप अभी रीड कर रहे हैं ये फर्स्ट मोड पे है, तो थर्ड लेवल या फिर कहूँ कि थर्ड मोड पे तो डेफिनेटली आप कर ही पाएंगे। तो इसलिए आप अगर वीडियो को पॉज करके देखना चाहें, रीड करना चाहें, तो डेफिनेटली आप रीड कर पाएंगे। तो मैं इस लैंप को अपना रिव्यू तो आपने मेरा सुन ही लिया, बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, तो डेफिनेटली इसकी जो बैटरी बैकअप मैंने चेक किया फर्स्ट मोड पे, जैसा कि ब्रांड क्लेम कर रही है कि ये अप टू 4 आवर्स का देता है, तो मैंने इसको क्या चेक किया कि मैंने इसको लगा के ओवरनाइट छोड़ दिया। तो डेफिनेटली अगर मैंने मॉर्निंग में जब इसे देखा, तो इसकी जो लाइट था डिम थी, बट ये चल रहा था 3 आवर्स तक तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये वर्किंग है। और उसके बाद मैंने मीडियम और हाई पे भी इसको चेक किया, जैसा कि कंपनी में क्लेम किया है, बट ये हाई लेवल पे अप टू ये 1.5 आवर ही निकाल पाया। मीडियम लेवल पे इसने 3 आवर्स निकाल दिए थे, नो डाउट। तो मैं आपको इसे रिकमेंड कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी है। और अगर आप भी कोई प्रोडक्ट हमें सजेस्ट या रिकमेंड करना चाहते हैं, तो सजेशन फॉर्म जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं, क्योंकि वी वांट टू मेक यू श्योर।